पितृपक्ष समाप्त होने वाला है। ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या पितरों को समर्पित इस समय का आखिरी दिन है। हिंदू धर्म में इस दिन अपने पितरों को विदाई दी जाती है। इसके साथ ही देवी पक्ष की शुरुआत होती है। इस दिन का खास महत्व है क्योंकि ये पितरों को प्रसन्न करने का आखिरी अवसर होता है। अगर इस दिन पितृ प्रसन्न रहते हैं तो जातक को सुख समृद्धि और जीवन में आगे बढ़ने का आशीर्वाद मिलता है। देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंदकिशोर मुदगल से हमने खास बातचीत की। लोकल 18 उन्होंने बताया कि सर्वपितृ अमावस्या का दिन पितरों की विदाई का समय माना जाता है। इस साल 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है। इस दिन उन पितरों का श्राद्ध तर्पण या पिंडदान किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि हम भूल चुके होते हैं या जिनकी मृत्यु पूर्णिमा या अमावस्या के दिन होती है। उन्होंने आगे बताया कि यदि इस दिन पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो जातक पर उनका आशीर्वाद बना रहता है और घर में हमेशा खुशहाली रहती है। यदि आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन गया में श्राद्ध या तर्पण करने नहीं जा सकते हैं तो चिंता न करें। हम आपको सर्वपितृ अमावस्या के कुछ उपाय बताने वाले हैं जो पितरों को खुश करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इस दिन आप घर के नजदीक तालाब या नदी के किनारे दक्षिण दिशा में बैठकर पितरों के नाम से श्राद्ध तर्पण या पिंडदान कर सकते हैं। ऐसे में आइए अब कुछ खास उपायों के बारे में जानते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के नाम से तिल का दान जरूर करें। तिल का दान पितरों को प्रसन्न करने का एक आसान उपाय है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिल डालकर जल अर्पित करें। माना जाता है कि पीपल वृक्ष में देवताओं का वास होता है और वहां जल अर्पित करने से पितृ खुश होते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन कुतुब मुहूर्त में तर्पण श्राद्ध आदि करना बेहद जरूरी है। ऐसा करने से पितृ बेहद प्रसन्न होते हैं और जातक को आशीर्वाद देते हैं। इस साल सर्वपितृ अमावस्या की तिथि की शुरुआत 1 अक्टूबर को रात 9:43 से शुरू हो रही है और इसका समापन 2 अक्टूबर को रात 11:56 में होगा। ऐसे में 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन पितृ तर्पण करने से आपके परिवार पर उनके आशीर्वाद की छाया बनी रहती है। पितृपक्ष का ये समय पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का है। इस समय का अपने पितरों को खुश करने के लिए 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या पर ये उपाय जरूर करें।